दोस्तों आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे इंडिया के अनमैन्ड एरियल व्हीकल मतलब भारत के ड्रोन के बारे में। तो दोस्तों ड्रोन एक ऐसा विमान है जिसे बिना किसी पायलट की मदद से उड़ाया जा सकता है, ये तो आप सबको पता ही है। और इन ड्रोन्स का इस्तेमाल अक्सर जासूसी करने के लिए भी किया जाता है। अरे जैसे कि आप लोगों ने विकी कौशल की मूवी उरी द सर्जिकल स्ट्राइक में देखा होगा कि कैसे गरुण ड्रोन ने पीओके में आतंकवादियों के लॉन्च पैड्स की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर हमारी आर्मी को पहुंचाई थी और इसके बाद फिर हमारे सोल्जर्स को पीओके में घुसने के लिए भी नेविगेट किया था। और दोस्तों ये सिर्फ एक मूवी नहीं थी, ये एक सत्य घटना पर आधारित थी। जब 2016 में कुछ कायर आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर के उरी में आर्मी क्वार्टर्स में सो रहे हमारे 1990 जवानों को नींद में ही मार दिया था और उसके बाद फिर हमारी इंडियन आर्मी ने हमारे 19 शहीदों की मृत्यु का बदला लेने के लिए ड्रोन्स की हेल्प से पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक कर जैसे मोहम्मद के आतंकवादियों को उनके घर में घुसकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। तो दोस्तों आज हम अपने वीडियो में भारत के इन ड्रोन्स के बारे में बात करेंगे, इसलिए आप लोग इस वीडियो को स्किप ना करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दोस्तों क्या आप लोगों को पता है भारत का पहला ड्रोन निशान था जो 1996 में बनाया गया था, जब दुनिया ड्रोन का डी भी नहीं जानती थी। लेकिन तब ड्रोन अच्छे से सक्सेसफुल नहीं हो सका जिससे कि इसका मास प्रोडक्शन नहीं हो पाया। इसके बाद भारत ने 2009 को दूसरा ड्रोन बनाया जिसका नाम रुस्तम 1 रखा गया था। लेकिन ये ड्रोन भी उतना सक्सेसफुल नहीं हो सका क्योंकि दोस्तों इस समय तक इंडियन आर्म फोर्सेस का फोकस केवल मिसाइलों को बनाने पर था। लेकिन आज का भारत ड्रोन पर भी फोकस कर रहा है। जी हां दोस्तों, भारत के पास एक ऐसा ड्रोन है जो निगरानी, जासूसी, सामान्य हमला और आत्मघाती हमला करने में सक्षम है। यह 100 किलोमीटर तक की रेंज में तबाही मचा सकता है और इसका उपयोग कई तरह से भी किया जा सकता है। यह ड्रोन 2021 के डिफेंस एक्सपो में दिखाया गया था। फिलहाल इसे विकसित किया जा रहा है लेकिन अगले 2-3 सालों में भारतीय मिलिट्री में शामिल किया जा सकता है। इसका नाम है कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम यानी कि कैट्स। इसे बनाया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड मतलब HAL और DRDO के साथ दो अन्य संस्थानों ने मिलकर। इनका प्रयोग आमतौर पर इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी करेंगे। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि क्या वाकई में ऐसे मिसाइल से लैस ड्रोन होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे ड्रोन होते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही अमेरिका ने ड्रोन से आतंकवादी अल जवाहिरी को मार दिया और ये वही आतंकवादी है जिसने ओसामा बिन लादेन के साथ मिलकर 9/11 हमले की प्लानिंग की थी और उसे अंजाम भी दिया था। और दोस्तों इस अल जवाहिरी की मौत भी उतनी ही दर्दनाक हुई जितनी 9/11 हमले में अमेरिका के लोगों की हुई थी। इस अल जवाहिरी को ड्रोन ने कैसे मारा वो मैं आपको बता देता हूँ। ये काबुल में बहुत दिनों से घर में छुपा हुआ था और ये अमेरिका को पता चल गया तो अमेरिका ने ड्रोन को अल जवाहिरी के घर के ऊपर आसमान में छोड़ दिया उसकी डेली की एक्टिविटीज पर नजर रखने के लिए। और एक दिन जब अल जवाहिरी अपने घर की बालकनी में हवा खाने के लिए आया तो अमेरिका ने उसी ड्रोन से मिसाइल छोड़कर उसे हवा में ही मिला दिया मतलब उसे उड़ा दिया और ऊपर वाले के पास भेज दिया। उसे पता भी नहीं चला कि उसके साथ क्या हुआ। तो दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि ये ड्रोन हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है। वैसे इम्पोर्टेंट तो वीडियो का अगला सेगमेंट भी है क्योंकि अब बात होगी कैट्स ड्रोन के अगले दमदार वर्जन्स के बारे में। कैट्स के 4 वेरिएंट्स बनाए जा रहे हैं, कैट्स वॉरियर, कैट्स हंटर, कैट्स अल्फा और कैट्स इन्फिनिटी। चारों का अलग उपयोग किया जा सकता है या फिर एक साथ एक तरह के काम के लिए भी किया जा सकता है। वैसे इन पर काम की शुरुआत 2018 में की गई थी और आज हम आपको अपनी वीडियो में इन 4 वेरिएंट्स के बारे में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कैट्स वॉरियर के बारे में। DRDO लक्ष्य ड्रोन की तरह ही HAL के कैट्स वॉरियर ड्रोन में PTI-7 ट्विन टर्बोजेट इंजन लगा है। ये वॉरियर ड्रोन 2-4 का फॉर्मेशन बनाकर हमला करता है। ये स्टेल्थ ड्रोन है यानी रडार को धोखा देने में माहिर है। इसकी रेंज है 150 किलोमीटर। यह निगरानी, जासूसी हमला और आत्मघाती हमला करने में सक्षम है। सुसाइड मिशन पर इसकी रेंज को बढ़ाकर 700 किलोमीटर किया जा सकता है। ये एक ऐसा ड्रोन है जिसमें 2 कैट्स अल्फा ड्रोन भी भेजे जा सकते हैं। ये इन दोनों ड्रोन को दुश्मन पर दागकर वापस आ सकता है अगर रेंज 350 किलोमीटर के अंदर हो तो। और तो और HAL इस ड्रोन के लिए 390 करोड़ रुपए का भी निवेश कर रहा है। तो बात करते हैं कैट सेंटर के बारे में। कैट सेंटर ड्रोन का वजन 600 किलोग्राम है। यह भी PT-7 ट्विन टर्बोजेट इंजन से उड़ता है। इसके डिजाइन मिसाइल की तरह ही बनाया गया है। यह स्टैंड ऑफ या लॉन्च क्रूज मिसाइल की तरह ही दागी जाती है। इसे भारतीय वायुसेना अपने फाइटर जेट्स मिराज 2000, जगुआर, सुखोई Su-30 MKI में भी लगा सकती है। इसके विंग्स मुड़ सकते हैं। यह 250 किलोग्राम वजन का हथियार उठा सकता है या खुद आत्मघाती हथियार भी बन सकता है। इसकी मारक रेंज 200 से 300 किलोमीटर है। एक बार टारगेट पर बम गिराने के बाद यह वापस भी लौट सकता है। शाम की 6 बजे की बस पकड़कर गुड बॉय है ना। यह दुनिया के किसी भी नेविगेशन प्रणाली को फॉलो कर दुश्मन पर हमला करने में भी सक्षम है। बहादुर बच्चा भी है। तो अब बात करते हैं कैट्स अल्फा के बारे में। कैट्स अल्फा स्वार्म अटैक के लिए बनाया गया है। स्वार्म से मतलब है कि एक झुंड, एक एक ग्रुप, एक यूनिट, ठीक है। तो यह एयर लॉन्च्ड फ्लेक्सिबल एसिड स्वार्म यानी कि अल्फा इस नाम से जाना जाता है।
यह एक आत्मघाती हथियार है, यानी एक बार इसे छोड़ दिया तो यह दुश्मन के टारगेट पर जाकर खुद के साथ साथ उसे भी बर्बाद कर देता है। यह ग्लाइड करते हुए 100 किलोमीटर तक की रेंज में जा सकता है। यह 5 से 8 किलोग्राम विस्फोटक ले जाकर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन पर हमला कर सकती है। यह करीब 102 मीटर लंबी है और इसका वजन 25 किलोग्राम है। इसे फाइटर जेट्स में भी लगाया जा सकता है। जगुआर फाइटर जेट्स में 24 अल्फा ड्रोन लगाए जा सकते हैं। सुखोई फाइटर जेट से 30 से 40 अल्फा ड्रोन दागे जा सकते हैं, यानी कि दुश्मन के ऊपर की टिकट पक्की है। तो अब बात करते हैं कैट्स ड्रोन के आखिरी वर्जन कैट्स इन्फिनिटी की। इसे न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी कंपनी विकसित कर रही है। यह हाई एल्टीट्यूड सोडो सैटेलाइट मतलब HAPS के तौर पर उपयोग की जाएगी। यह एक ऐसा ड्रोन होगा जो 70,000 फीट की ऊंचाई पर 3 महीने तक लगातार उड़ान भर सकता है। वाह, ऐसे तो इसकी चील और बाज के साथ अच्छी दोस्ती भी हो जाएगी। और इसका चील और बाज के साथ उठना और बैठना मतलब कि उड़ना भी होगा। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ। कैट्स इन्फिनिटी अपनी काबिलियत की वजह से ही हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलो बात करते हैं इसके वजन की। तो इसका वजन 500 किलोग्राम होगा। यह इतनी ऊंचाई से लगातार निगरानी भी कर सकता है। इसका विंग स्पैन 50 मीटर होगा। इसकी क्रूज स्पीड 90 से 100 किलोमीटर की होगी। इसका मुख्य काम जासूसी और निगरानी होगा, लेकिन यह सिर्फ शेरलॉक होम्स बन के नहीं रहेगा, यह बाद में जेम्स बॉन्ड भी बनेगा। मतलब कि इसे भविष्य में हमला करने के लिए भी तैयार किया जा सकता है। तो दोस्तों, वीडियो में आज इतना ही। आप लोगों को कैट्स ड्रोन के वर्जन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो मिलते अगली वीडियो में। जय हिंद।